यहाँ पहुंची है पालमपुर के गवर्नमेंट सीनियर ट्रेनिंग स्कूल, जहाँ की एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं एनएसएस कैंप के आयोजन के बारे में। सर, आपका नाम राजीव भंडारी। आपको एनएसएस कैंप के बारे में? ये तो 7 दिवसीय एनएसएस विशेष शिविर चल रहा है यहाँ पे हमारे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में, जो कि प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्र जी की अगुवाई में जो हमारा कैंप चल रहा है। तो ये जो कैंप होता है, इसमें पहले से ही हमें लगभग 1 महीने से हम कैंप शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर हायर एजुकेशन को कि हम इतनी तारीख को अपना कैंप शुरू करने जा रहे हैं। और भी कई अन्य फॉर्मेलिटीज़ जो हैं हमें करना पड़ती हैं, जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या ITH है या हमारे नज़दीक प्रधान हैं, और पुलिस स्टेशन में भी हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, तो ऐसे ही हमें तैयारी करना पड़ती है। तो क्या क्या एक्टिविटी है, कितने देर का होता है ये जो 7 डेज कैंप चलता है? ये हमारा चल रहा है 20 से 26 को हमारा क्लोजिंग है 26 में। तो आपको मिलने वाले 7 दिन का जो है ये कैंप चलता है जी। तो आज आपका सेकेंड लास्ट डे? हाँ, सेकेंड लास्ट डे है हमारा। तो इसमें बच्चे काफ़ी व्यस्त शेड्यूल होता है, सुबह 5 बजे बच्चे जो है उठ जाते हैं और 1 घंटे का बच्चों को फ्रेश होने के लिए टाइम दिया जाता है। 6 बजे ही हम योग क्लासेस शुरू कर देते हैं, 1 घंटे पर बच्चे योग और अन्य जो प्रभात खेल करते हैं बच्चे करते हैं, जिसमें घंटा वगैरह बच्चे करते हैं। और उसके बाद बच्चे जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जो अपने जो साइट हमारा जो अडोप्टेड विलेज है साई है, इसमें हम जाके ज़्यादातर फोकस वही भी होता है हमारा कि बच्चे स्वच्छता का है, लोगों को जागरूक करना है, चाहे नशे के प्रति है या दूसरे कोई जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता है। और बच्चे जो है वो मेहनत भी करते हैं वहाँ पे, सफाई भी करते हैं, कोई रास्ता बनाना है और वहाँ पे लोगों के साथ मिल के ही जो एकजुट होके लोग भी बड़ी सहायता करते हैं, वो भी बच्चों को पूरा प्रोत्साहन देते हैं इस कार्य में। बच्चों के अलावा किस किस का सहयोग रहता है इसको? बच्चों के अलावा जो उनके अभिभावक हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, वो भी बीच बीच में बच्चों का हालचाल पूछते हैं और सहयोग भी करते हैं। चाहे वो कई लोग जो होते हैं वो खाने में थोड़ा सहयोग कर देते हैं या और भी कई चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, या जैसे हमारे प्रधान हैं वो भी आते जाते रहते हैं, SMC प्रधान हैं का भी काफ़ी सहयोग रहता है, तो ऐसा सबका सहयोग रहता है। टीचर्स का भी जो हमारे मेरे साथ लोकली यहाँ के मंजीत सर कुमार के लेक्चर हैं वो भी 7 दिन रहते हैं, और मैडम हैं हमारे सुमन मैम इसमें हमारे साथ हैं, तो लड़कियों के साथ लेडी टीचर भी सदा हमारे साथ रहती हैं। मैम, आप क्या एक्सपीरियंस किया सर? आप अपना एक्सपीरियंस के साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। खाने पीने का कैसा? अच्छा रहता है सर, खाने पीने का सभी मिलके करते हैं गर्ल्स के लिए? हाँ नहीं, ग्रुप बने होते सर इनके, सब ग्रुप बना के खाने पीने आज एक ही टर्म होती काम तो सब काम। आप बताइए सर। मेरा नाम अजीत सिंह है, लेक्चर कोर्स, और मैं जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनके साथ जब से कैंप शुरू हुआ है तब से इनके साथ ही इनके जो भी निर्देश होते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं और इनकी तो बहुत हेल्प कर देते हैं, जिसमें यानी कि बच्चों को गाइड करना किस प्रकार से अपना काम जैसे हमारे को ये बताते हैं उस प्रकार से उनके काम देते हैं और उनको कई प्रकार की जो जिम्मेवारी हमारे को देते हैं तो उसमें बच्चों का योग करते हैं।
और क्या तैयारी रहती है इस कैंप के बारे में, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कुछ? हाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंतर्गत ये है कि जैसे बच्चों को कल्चर एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाता है, बच्चों को यानी कि एक कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारे रात को प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे जो है स्टेज को संभालते हैं, किस प्रकार स्टेज को संभालना है, और भी बहुत एक्टिविटीज़ जैसे अपने विचारों से बच्चे जागृत करवाते हैं कि हमारी ये हम आगे करना चाहते हैं, ये हमारी होगी है, तो ये सारी एक्टिविटी हमारी चलती रहती है। बच्चों का क्या नजरिया है इस कैंप के बारे में, क्योंकि आप लोग पूरा कैंप देख रहे हैं, तो बच्चों के नज़रिए तो पता लग ही रहता है कि क्या क्या नज़रिए हैं बच्चों के, कैसा लग रहा है इनको, क्या है, आप बताएं। बच्चों का बड़ा काफ़ी इंजॉय करते हैं बच्चे इस कैंप को, तो बच्चे को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बच्चों में बदलाव आ रहा है, जैसे बच्चे कई हमारे रिसोर्स पर्सन आते हैं, उनके जी मतलब एक्सपीरियंस बच्चे सुनते हैं, तो कैसे रुकना है हमें, कैसे मेहनत करके जो है वो आगे बढ़ना है हमें, तो काफ़ी बच्चे जो है सीखते हैं, और बच्चे तो अभी बोल रहे हैं कि सर एक दो दिन और बढ़ा दो कैंप को, बढ़ा दो, बच्चे इस चीज़ से खुश चले हुए हैं कि दो दिन और बस करना। कल की क्या तारीख? कल तो हमारा लास्ट क्लोजिंग डे रहेगा, तो उसमें जो है बच्चे जो है एक कल्चर प्रोग्राम करेंगे क्लोजिंग के ऊपर, तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय ही जो है इसका क्लोजिंग में होंगे, और साथ में एसएससी मेंबर्स भी आएंगे, तो बच्चे उसके लिए कल्चर एक्टिविटीज होगी, और जो भी बाहर से मेहमान जो भी आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी, बच्चे सुबह अपने जो स्कूल का है क्यारियाँ वगैरह, थोड़ा हमारा सुबह प्लानिंग है कि बच्चे थोड़े से साफ सफाई करेंगे और उसकी तैयारी में जुट जाएंगे कि जो भी क्लोजिंग का प्रोग्राम है। एक क्वेश्चन और है कि अभी आपने साधन में क्या क्या टारगेट किया, साधन में कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या टारगेट किया? हाँ, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कार्य किया है साधनों में, जैसे कि हमारे अडोप्टेड विलेज में हमारा एक ग्राउंड है उसकी सफाई की है, और एडोप्टेड विलेज हमारा साई है, साई वहाँ पे एक नेचुरल वाटर सोर्स है, उसकी सफाई की बच्चों ने, फिर वहाँ पे झाड़ियाँ थी रास्ते की सफाई की है, उसके साथ हमारे जो आलमपुर पंचायत में जो पंचायत घर है वहाँ पे भी काफ़ी झाड़ियाँ थी, वहाँ पे सफाई की, मंदिर में जाके वहाँ पे एक रास्ता है, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा कार्य किया बच्चों ने, एक रास्ते में एक बरसात की वजह से वो अपना घर सब गिर गया था, रास्ता बंद हो गया था, तो कुछ लोगों ने हमें गुजारिश विनती की थी इस रास्ते को गया, तो बच्चों ने आज काफ़ी मेहनत करके उस मिट्टी को उठाया और वो रास्ता सब गिर गया। स्वच्छता के लिए
लगता है कोई जागरूक हो रहा है। मेरा नाम अभिल है, हमने एनएसएस कैंप में बहुत कुछ सीखा है, ये सब बेस कर लिया। शीतल अपना एक्सपीरियंस बताओ कैंप के बारे में। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत मजा यहाँ पे, बहुत कुछ सीखा है, टीम वर्क, टीम के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, मतलब और डिफरेंट कुछ डिफरेंट लोग आए थे, सॉफ्ट पर्सन आए थे जो हमने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। एक छोटा सा क्वेश्चन, एनएसएस जो कैंप लगा रहे हो इसके बारे में क्या जानते हो? नेशनल सर्विस स्कीम, इसको 1969 से शुरू हुई है, इसका मेन मोटो है। कैंप के बारे में सर, हम गया ये हमारे कैंप लगे सर 20 से 26 तारीख तक, और हमने यहाँ पर कुछ काम किए सफाई के बारे में। हमारे यहाँ पर डॉक्टर मिले थे साई, और वहाँ पर जाके साफ सफाई के बारे में साफ सफाई की, लोगों को जागरूक किया, कई रैलियाँ निकाली जैसे कि नशे के बारे में, साफ सफाई के बारे में, और जो मंदिर वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पर जगह जगह सफाई की, खाना बनाना सीखा, सारा टीम वर्क, दोस्तों के साथ हंसी मजाक में रहे। टीम वर्क कैसे सीखा सर? जहाँ भी सफाई करने जा रहे थे साथ में सभी मिलकर सफाई कर रहे थे। फिर सर हमारे चार ग्रुप में बांटा होता हमें, तो सर जैसे किसी चार ग्रुप में बांटा होता था सर, सर जिस तरह ग्रुप की बारी लगी सब उसी तरह सर, आधे बच्चे कोई काम करे, आधे दूसरा काम करे, और आधे सारे काम करे।